हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन को लेकर के। तो गैस, फ़ोनपे एप्लीकेशन में यूपीआई नंबर क्या है और आप उसको कैसे बना सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गैस, यहां पे आप देख सकते हैं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन जो हुआ है, यहाँ पर इसे कहने का मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपना यूपीआई नंबर बनाइए ताकि आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पैसा रिसीव हो जाए। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमारे फ़ोनपे पर कोई भी पैसा भेजता है तो हमारा मोबाइल नंबर एंटर करता है और हमारे पास पैसा रिसीव हो जाता है। लेकिन गाइस, यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर बना लेते हैं तो आपको कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से अगर पैसा भेजता है, जैसे मान लीजिए पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भीम एप्लीकेशन हो गया या फिर आपका अमेजन एप्लीकेशन हो गया, उससे अगर आपका यूपीआई नंबर डाल करके अगर आपको पैसा भेजता है तो आपके फोन पे एप्लीकेशन में जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में पैसा आ जाएगा। यानी कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपका फोन पे पर कोई पैसा रिसीव करना है तो सामने वाला बंदा फोन पे एप्लीकेशन पे जो हमारा नंबर बना हुआ है, जिस नंबर से हमारा फोन पे एप्लीकेशन बना हुआ है उसी नंबर पे अगर पैसा भेजता है फोन पे एप्लीकेशन के द्वारा, तभी फोन पे एप्लीकेशन में हमारा पैसा रिसीव होता है। लेकिन अभी क्या है, अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन में अगर आपने यूपीआई नंबर बना लिया तो किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से अगर आपको कोई पैसा भेजता है तो आपके फोन पे एप्लीकेशन में आराम से आ जाएगा। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको यूपीआई नंबर कैसे बनाना है। आपको यहां पे फोन पे एप्लीकेशन ओपन करके अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको यूपीआई सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यूपीआई सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको बगल में यूपीआई नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अब गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे बोल रहा है लिंक टू फोन पे, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आगे शो करेगा और गैस उसी के आगे शो कर रहा है लिंक टू फोन पे, यानी कि अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर बना लिया और फोन पे में लिंक कर दिया तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से अगर पैसा भेजता है यूपीआई एप्लीकेशन से तो आपके फोन पे एप्लीकेशन में आराम से आ जाएगा। इसके अलावा यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को अपना यूपीआई नंबर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इससे क्या होगा, पेटीएम, भीम एप्लीकेशन या किसी से भी कोई पैसा भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पर तो फोन पे एप्लीकेशन में भी रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को भी यूपीआई नंबर बना सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहां पे एक दिख रहा है मेरा, यहां पे एक मैंने यूपीआई नंबर बनाया है तो यहां पे जो यूपीआई नंबर है इनएक्टिव दिखा रहा है, यानी कि ये जो यूपीआई नंबर है ये किसी और बैंक का था, वो मैंने बैंक जो है अनलिंक कर दिया इसलिए यहां पे इनएक्टिव दिखा रहा है। यानी कि एक बैंक का एक ही यूपीआई नंबर होता है, अगर आपने उस यूपीआई नंबर को उसी से कनेक्ट कर दिया तो उसी बैंक में पैसा जाएगा आपका जिसका आपने यूपीआई नंबर बनाया है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो अगर मैं यूपीआई नंबर ये एक्टिवेट करता हूं तो इसी बैंक का यूपीआई नंबर बन जाएगा, तो कोई भी आपको पैसा भेजेगा तो इसी बैंक में आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें कि एक अपना खुद से अपना मनपसंद यूपीआई नंबर बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप अपना मनपसंद यूपीआई नंबर बना सकते हैं, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है आपको दिखाया जा रहा है यहां पे कि यूपीआई नंबर बनाने के लिए जो कि 8 नंबर का होता है। ठीक है, यहां पे 8 नंबर का यूपीआई नंबर आप बना सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एग्जांपल के लिए, जैसे कि शुड नॉट स्टार्ट विद 0, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव ऑल सेम डिजिट, यानी सेम डिजिट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एंड विद सेम 3 डिजिट, यानी लास्ट का जो है आपका सेम नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मस्ट बी 8 से 9 डिजिट होना चाहिए, यानी कि आपका जो है 8 से 9 डिजिट का यूपीआई नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड नॉट हैव सीरियल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, या फिर उल्टा गिनती, यानी सीधी गिनती उल्टी गिनती नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखा देगा दिस नंबर इज अवेलेबल। ठीक है, अगर नंबर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आपको दिखेगा एक कन्फर्म का ऑप्शन, आपको क्या करना है कन्फर्म एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक नया यूपीआई नंबर बन चुका है। अगर आप इस यूपीआई नंबर को किसी को भी दे देते हैं पैसा मंगाने के लिए तो अगर वो पेटीएम में या भीम में या गूगल पे में डालता है तो आपका जो पैसा है आपका इसी बैंक में और इसी यूपीआई नंबर के थ्रू आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन में भी
आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूपीआई नंबर बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक टू फोन पे जहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसी पे क्लिक करना होगा। कैसे करना है देख सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आगे शो करेगा, उसके बाद जैसे आप लिंक टू फोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड में आपको दिखा देगा कि यहाँ पे लिंक नाउ विद फोन पे, यानी कि यहाँ पे जो है इस बैंक का यूपीआई नंबर आपका मोबाइल नंबर बन चुका है, ठीक है। तो कोई भी आपके मोबाइल नंबर पे अगर मान लीजिए पेटीएम से, गूगल पे से या भीम से पैसा भेजता है तो आपके फोन पे एप्लीकेशन में जो बैंक ऐड है उसी बैंक में पैसा आ जाएगा, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया जो है अब किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से किसी के पास भी पैसा भेजा जा सकता है और पैसा लिया भी जा सकता है। इससे फायदा यह है कि पहले जो है हम मान लीजिए फोन पे एप्लीकेशन में किसी को पैसा भेजना होता था तो फोन पे एप्लीकेशन का नंबर ही डाल करके हम पैसा भेजते थे, लेकिन अभी क्या है फोन पे एप्लीकेशन में पैसा मंगवाना है या फिर भेजना है तो आप किसी का भी किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कहीं भी पैसा भिजवा सकते हैं यूपीआई नंबर के थ्रू। यानी कि अब जरूरी नहीं है कि सेम यूपीआई एप्लीकेशन हो सामने वाले बंदे के पास, लेने वाले के पास भी देने वाले के पास भी, तभी पैसा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर बना करके, या फिर आप अपना मनपसंद यूपीआई नंबर भी बना सकते हैं। यहां से कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए।